आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। विधानसभा के लिए भी अध्यक्ष के रूप में भाई सुदीप जी का नाम है, उपाध्यक्ष सौरभ सिंगला जी, सचिव बलविंदर जी अब सेंट आए नहीं है, उप सचिव में अरुण जाटव जी, उपाध्यक्ष व आसन जी मुंदरी गांव से, उपाध्यक्ष द्वारा दूसरे हैं जी हमारे ललित शर्मा जी, और तीसरे उपाध्यक्ष हैं बबली सैन जी हमारे पुराने साथी। कार्यकारिणी में एजुकेशन कुमार सैनी और एक राजेश जी मुंदरी गांव से, दोस्तों नमस्कार, मैं विकास जांगड़ा। असली खबर पर आपका स्वागत है। आज की असली खबर हम लेने आए सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से। सुशील जी, आज आपका कैथल दौरा है। हम पता लगा हल्के की मीटिंग, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में विरोध कर रही है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि निकाय चुनाव वो लड़ेगी और पंचायत चुनाव लड़ेगी, आपको क्या लगता है कि देरी के पीछे क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी डर रही है, उनको पता है उनके सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त होनी है। आज मुख्यमंत्री तक अपने हलके में जाने की पोजीशन में नहीं है। इससे बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा में हो रहा है, मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। चुने हुए मंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए सांसद अगर अपने हलके में जाके मीटिंग करने से डरते हो, इसका मतलब वो सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। खट्टर सरकार जनता का पूरा विश्वास खो चुकी है। 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, महिलाएं घर से निकलते टाइम डरती हैं। कोई नया उद्योग, नया व्यापार हरियाणा में पिछले 6-7 साल से हो नहीं रहा है। हरियाणा का युवक बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुँच चुका है। सरकार सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल हरियाणा में लाना चाहती है। उसके लिए हमने तय किया है कि नगर निगम के, नगरीय निकायों के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, ग्राम पंचायत के सभी चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं कैथल आया हुआ हूँ। अच्छा सर, हम पता लगे आपका इससे पहले गूलम प्रोग्राम था, वहाँ कुछ लोगों ने आपकी जेब पे हाथ साफ कर दिया। ये तो कोई बात नहीं है। जब भीड़ के अंदर हम प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे, शहीद ऊधम सिंह जी को पुष्पमाला अर्पित की और उसके बाद जब एक लंबा जुलूस निकाला बिजली की कटौती के खिलाफ। जो हरियाणा में बिजली के कट लगते हैं, 200 यूनिट बिजली की जैसे दिल्ली में माफ़ होती है, 24 घंटे हमने बिजली की डिमांड करी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की डिमांड करी और साथ में किसानों को तुरंत ट्यूबवेल का कनेक्शन दे। भीड़ के अंदर पता नहीं हो गिर गया, निकाल लिया, खास बात नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा सर कोई ऐसी बात जो आप कहना? हरियाणा के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के हालत गंभीर स्तर पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा में परिवर्तन की ज़रूरत है और लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। जी सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने आज हमसे बात करी। आप भी चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें खबरें दे सकते हैं। धन्यवाद।